हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी। मैं विशाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हमारा जो चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और उसके आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उन टॉपिक में से सुरक्षा चिन्ह या फिर सेफ्टी साइन या सेफ्टी सिंबल के जो टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुरक्षा संकेत होते हैं या फिर सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो किस कलर से बनाए जाते हैं, किस टाइप से बने होते हैं और कैसे हमें उनकी पहचान करनी है। फ्रेंड्स, कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से ज़रूर आता है जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सुरक्षा चिन्ह। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, और जिसमें से पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा होता है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह और चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स निषेधात्मक चिन्ह के बारे में। तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में अगर हम देखें तो इसमें इन चिन्हों के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है। तो फ्रेंड्स, निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं इनके द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है कि ये कार्य आपको यहाँ पर नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, ये सुरक्षा चिन्ह किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी कार्यालय में या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में लगे हुए रहते हैं, जिससे हमको सुरक्षा संबंधी संकेत दिए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। तो इन सुरक्षा चिन्ह के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्या क्या आप कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो, इसके बारे में सारी जानकारी हमें बिना लिखे बस संकेतों के माध्यम से दी जाती है। तो अगर हम संकेतों को अच्छे से याद करते हैं तो हमें देख के ही समझ में आ जाता है कि यह चिन्ह हमें क्या कहना चाहता है। तो निषेधात्मक चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा कि इस चिन्ह के द्वारा किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया जाता है, और इसके आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार वृत्ताकार, लाल रंग की बॉर्डर तथा क्रॉस बार तथा सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति द्वारा ये संकेत बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आकार होता है वो वृत्त के आकार का होता है और लाल रंग की इसमें बॉर्डर बनाई जाती है और उसके ऊपर एक क्रॉस बार लगा होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि इसकी आपको पहचान कैसे करनी है। वृत्ताकार होता है, लाल रंग की बॉर्डर होती है और उस पर क्रॉस बार बना हुआ रहता है, उसके बाद सफ़ेद बैकग्राउंड होता है इसका और सफ़ेद बैकग्राउंड पर काली आकृति के द्वारा ये संकेत बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप से निषेधात्मक संकेत बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि सुरक्षा संकेत में जो निषेधात्मक टाइप के संकेत होते हैं वो सारे संकेत आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सुरक्षा संकेत दिए गए हैं इन सभी में लाल रंग की बॉर्डर है, वृत्त के आकार का संकेत है और उसके ऊपर क्रॉस बार लगा हुआ है, और उसके बाद वाइट बैकग्राउंड दिया गया है और वाइट बैकग्राउंड पर यहाँ पर काली आकृति से चिन्ह बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी सेम ऐसा ही दिया गया है। तो ये वाला इस टाइप का जो भी डायग्राम रहे इन सभी में ये सारे जो चिन्ह होते हैं वो कौन से चिन्ह होते हैं फ्रेंड्स? निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है निषेधात्मक चिन्ह के बाद अगर हम बात करें तो अनिवार्य चिन्ह या फिर अनिवार्य संकेत। तो अनिवार्य संकेत के बारे में फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि इन संकेतों के द्वारा अनिवार्य कार्य अथवा आदेशात्मक कार्य करने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अनिवार्य संकेत जो होते हैं उसमें अपने को कोई भी निर्देश दिया जाता है कि ये कार्य करना यहाँ पर अनिवार्य है। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं और वहाँ पर कह देते हैं कि यहाँ पर आपको हेलमेट पहनना है, सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, हाथों में ग्लव्स पहनने हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स? अनिवार्य है। तो अनिवार्य संकेत हम इसे कहते हैं। और अनिवार्य संकेत का अगर हम कलर और आकृति की बात करें तो यह संकेत वृत्ताकार नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग के
से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया है कि ये संकेत वृत्ताकार होते हैं, नीली पृष्ठभूमि पर और सफ़ेद रंग से बनाए जाते हैं। तो अब हम ये वाला संकेत भी देख लेते हैं कि अनिवार्य संकेत कौन सा होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वृत्ताकार नीली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से बनाए जाते हैं। तो ये आपके सामने अब हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट अनिवार्य संकेत। तो इस फ्रेंड्स ये सारे अनिवार्य संकेत आप देख सकते हैं, इसमें आपको वृत्त के आकार के संकेत दिख रहे होंगे और इसमें आपको वाइट बैकग्राउंड पीछे दिख रहा, नीला बैकग्राउंड पीछे दिख रहा होगा और वाइट कलर से यहाँ पर संकेत बने हुए हैं। तो जैसा कि सबसे पहला बना हुआ है कि इसमें आपको आंखों पर चश्मा लगाना है, दूसरा बना हुआ है कि आपको मास्क पहनना है और तीसरा है कि आपको हेलमेट का यूज़ यहाँ पर करना है। इसी टाइप से चौथा जो है, चौथे में दिखाया गया है कि यहाँ पर आपको हाथ में ग्लव्स पहनने हैं, पांचवे में आपको एप्रोन पहनना है या फिर आपको पीपीई किट पहनना है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट में आपको बताया गया है कि आपको हेडफोन का यूज़ करना है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये सारे जो सिम्बॉल है, ये सारे काय के सिम्बॉल है, ये सारे सिम्बॉल अनिवार्य संकेत के हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट संकेत की बात करें तो चेतावनी चिन्ह या फिर वार्निंग सिंबल होते हैं। तो चेतावनी चिन्ह को हम कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है। तो फ्रेंड्स चेतावनी संकेत जो होते हैं उनके माध्यम से चेतावनी दी जाती है और इनका आकार त्रिभुजाकार तथा इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाले जो चिन्ह होते हैं इनके माध्यम से चेतावनी दी जाती है और इनका आकार की अगर हम बात करें तो त्रिभुजाकार होते हैं और पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले चिन्ह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके सामने आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे हैं कि ये वाले जो संकेत है ये त्रिभुजाकार आकृति में है। इसके अलावा इनका बैकग्राउंड जो है उसका कलर पीला रखा गया है और काले कलर से ये चिन्ह बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे जो चिन्ह है, ये सारे कौन से चिन्ह है, ये सारे चेतावनी चिन्ह होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो इसके आगे आता है सूचनात्मक चिन्ह या फिर इंफॉर्मेशनल सिंबल या इंफॉर्मेशनल साइन। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इन संकेतों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। इनका आकार फ्रेंड्स वर्गाकार होता है और ये चिन्ह हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग की आकृति अथवा सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग की आकृति द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप के कलर में प्रदर्शित किए जाते हैं, एक तो ये कि हरा बैकग्राउंड पर वाइट कलर से और दूसरा होता है कि वाइट बैकग्राउंड पर रेड कलर से। तो दोनों से हम इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं और इनका जो आकार होता है वो वर्गाकार होता है। तो फ्रेंड्स ये वाले चिन्ह भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारे सूचनात्मक चिन्ह है, इनमें हरा बैकग्राउंड रखा गया है और सफ़ेद कलर से यहाँ पर आकृति बनी हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने चारों बना दिए हैं आपके सामने और चारों आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिए हैं। सबसे पहले ये वाले जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये रेड कलर वाले जो आपको दिख रहे हैं ये सभी कौन से हैं फ्रेंड्स, ये सभी निषेधात्मक संकेत होते हैं। इसके बाद ये इसके नीचे अगर हम देखें तो ये सारे अनिवार्य संकेत की श्रेणी में आते हैं, ये सारे जो नीले नीले आपको दिख रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे अगर हम देखें तो ये पीले वाले जो दिख रहे हैं, ये पीले वाले चेतावनी संकेत होते हैं। तो इनमें जो है पीले कलर का बैकग्राउंड रहता है और त्रिभुजाकार ये होते हैं, इनके माध्यम से हमें चेतावनी दी जाती है। और इसके बाद इसके नीचे अगर हम देखें तो ये सारे जो है हरे बैकग्राउंड में और लाल वाले में, ये कौन से है फ्रेंड्स, ये सारे सूचनात्मक संकेत है। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स इसी तरह से हम टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे और मैंने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नोट्स बना रखे हैं उन्हीं नोट्स में से फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारे नोट्स आपके एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, आप इन वीडियो को अच्छे से देखें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।